चलिए नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सभी तरह के प्रणाम। मैं मुकेश जाट MGCI के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। हमारे इंस्टीट्यूट ने वास्तव में कोरोना को करोना में बदल दिया है और आज आप जितनी भी एग्जाम्स की तैयारी हम लोग करा रहे हैं, NEET, JEE, PAT, CPAT, BHU सभी के डिजिटल बोर्ड के ऊपर कंप्लीट वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करके और एक सेपरेट कोर्स डेवलप कर लिए हैं, जिनको स्टूडेंट्स एप्लीकेशन के थ्रू डायरेक्ट पेमेंट करके बहुत रीजनेबल फीस में एक्सेस कर सकता है, उनको डाउनलोड करके। और गांव में दूर जहां लाइट और इंटरनेट भी नहीं होता, वहां भी बैठ के अपने एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकता है। ये सब हो पाया आप सभी लोगों के प्रेम और विश्वास से और उस ईश्वर के आशीर्वाद से। और इसके लिए हमारी संपूर्ण MGCI टीम बधाई की पात्र है, क्योंकि 4 महीने जब सब लोग अपने घरों में सोए हुए थे, बैठे थे, बीमारियों जो महामारी थी उससे लड़ने से डर रहे थे, तब हमारे MGCI के योद्धा इस प्रण के साथ लगे हुए थे कि हम इन 4 महीनों में कुछ ऐसा करके दिखाएंगे जो शिक्षा को दूर दराज तक सफलता के मुकाम पर लेके जाए। ठीक है, तो आप इस डिजिटल कोर्सेस को लेके इंटरनेट वाली प्रॉब्लम का टेंशन खत्म करें और अच्छे से अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखें। हमारी लाइव क्लासेस भी चल रही है, ऑफलाइन जब आएगा तो ऑफलाइन भी चलेगा। बस किसी भी तरीके से जो जैसा चाहता है वैसा एजुकेशन हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। आपका एजुकेशन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, यह MGCI का कमिटमेंट है और हम आपसे भी कमिटमेंट लेते हैं, आप भी हिम्मत ना हारें और आगे बढ़े। ठीक है, आज हम छोटा सा टॉपिक लेते हैं जो लगभग सभी एग्जाम्स में आता है, और चाहे कोई सभी एग्जाम हो, चाहे एंट्रेंस एग्जाम हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, वहां से एक-एक क्वेश्चन आते ही हैं मिनिमम, है ना। तो हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं उस टॉपिक के बारे में कि वो टॉपिक क्या है। ठीक है, तो जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वह हमारा टॉपिक है समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ऐसी श्रेणी जिसके सभी पदों में अंतर डिफरेंस समान हो, समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने लिखता हूं 2, 4, 6, इस तरह से मैंने एक श्रेणी लिखी। अब हम पूछेंगे क्या ये श्रेणी समांतर है या नहीं। बहुत इजी है, आप प्रत्येक बाद वाले पद में से पहले वाले पद को घटाइए और देखिए कि वो जो अंतर है वो एक जैसा आ रहा है या नहीं। तो यदि हम 4 में से 2 को घटाते हैं तो 2 मिलता है, हम 6 में से 4 को घटाते हैं तो भी 2 मिलता है। तो यह अंतर सब जगह एक जैसा है, अर्थात ये श्रेणी समांतर श्रेणी है। ओके, और यह जो अंतर है जो सब जगह एक जैसा प्राप्त हो रहा है उसको सर्वांतर इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस कहते हैं, तो उसको डी से दर्शाते हैं। तो समांतर श्रेणी की कितनी आसान परिभाषा हो गई कि यदि प्रत्येक पदों के बीच में प्राप्त होने वाला अंतर एक समान हो तो उस स्थिति में हम उसको समांतर श्रेणी कहेंगे। समांतर श्रेणी की एक और परिभाषा हम यह बना सकते हैं कि हम कोई एक निश्चित संख्या ले लें, जैसे कोई एक निश्चित संख्या 2 ले ली हमने और उस निश्चित संख्या में बार बार एक फिक्स आंकड़ा जोड़े, जैसे 2 में बार बार 2 जोड़े, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, तो इस तरह से बनने वाली श्रेणी की समांतर श्रेणी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है। तो वो जो निश्चित संख्या है जो हम लोग लेते हैं उसको प्रथम पद कहते हैं, उसको सबसे पहले लिख देते हैं, और फिर जो निश्चित संख्या लेके हम लोग जोड़ते हैं उस निश्चित संख्या को ही हमने जब इधर साइड में देखा तो निश्चित रूप से हमने उसी को सर्वांतर कहा। तो 2 परिभाषा हो गई कि एक ही निश्चित संख्या के बार बार जोड़ने से जो श्रेणी बनेगी वह श्रेणी समांतर श्रेणी होगी। ये परिभाषा हो गई कि यदि ऐसी श्रेणी हमको मिल रही है जहां पदों के बीच अनुपात अंतर समान है,
उसको भी हम समांतर श्रेणी कहते हैं। ये आपकी समांतर श्रेणी की परिभाषा हो गई, जिसे हम लोग परिभाषा के तौर पे देखेंगे। अब आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आओ, क्या समांतर श्रेणी की परिभाषा है? संख्याओं की ऐसी श्रेणी जिसके प्रत्येक बाद वाले पद में से पहले वाले पद को घटाने पर प्राप्त होने वाला अंतर एक समान हो, समांतर श्रेणी कहलाएगी। तथा इसे एक समान अंतर को सर्वांतर मतलब कॉमन डिफरेंस अर्थात डी कहते हैं। तो सर्वांतर मतलब कॉमन डिफरेंस मतलब डी पता करने का क्या तरीका है कि सर हमने सीख लिया है, फॉर एग्जाम्पल के लिए दूसरे और पहले पद के बीच का अंतर निकालना है तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, तीसरे और दूसरे के बीच का डिफरेंस निकालना है तो तीसरे में से दूसरे को घटाएंगे। और एक कॉमन लैंग्वेज बोले तो प्रत्येक बाद वाले पद में से पहले वाले पद को घटाएंगे। तो एक कॉमन डेफिनेशन निकल के क्या जाएगी कि हमेशा बाद वाले पद में से पहले वाले पद को घटाना है। अब इसको फार्मूले के रूप में बोले तो कोई सा भी पद है, मान लो दसवां पद है तो दसवें में से नवा घटाना है। मतलब किसी भी एक पद पे खड़े हो जाओ, एक वो वाला पद और उसमें से पहले वाला पद घटा दो। तो मान लो मैं जिस पद पे खड़ा हुआ एनवा पद है तो एनवें पद में से एन माइनस वन मतलब एक घर पहले वाला पद घटाना है। तो इस तरह आप इसको फार्मूले के रूप में भी दर्शा सकते हैं कि डी का यह भी एक फार्मूला हो सकता है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, डी बराबर एनवा पद मतलब टी एन, और इसमें से मतलब मैं एनवे स्थान पर खड़ा हूँ तो एक घर पहले मतलब एन माइनस वन वाला पद घटाऊंगा। अब मैं चाहे टी एन माइनस वन बोलू या ए एन माइनस ए एन माइनस वन बोलू, बात तो एक ही है, ये जो माइनस वन है वो यहाँ है, ध्यान रखना। तो ये हो गया टी एन माइनस वन। इस तरह आपने फार्मूले आसानी से तैयार कर लिए डी के। चलो अब यदि हम कुछ जनरल फार्मूले की बात करें और देखें कि भाई समांतर श्रेणी में कैसे हम लोग जो जनरल फार्मूले हैं जो एकदम सिंपल सिंपल आते हैं जो मैक्सिमम एग्जाम में आते हैं, डिटेल की बात तो अभी हम कर नहीं सकते। तो मान लो हम एक समांतर श्रेणी की बात करें तो एक ही बात दिमाग में डाल दो कि समांतर श्रेणी की आत्मा है प्रथम पद मतलब ए और सर्वांतर मतलब डी। बगैर ए और डी के आप समांतर श्रेणी की कल्पना ही नहीं कर सकते। यदि समांतर श्रेणी वो देगा तो हमसे ए और डी पूछेगा, यदि वो ए और डी देगा तो हम उसको समांतर श्रेणी बना के दिखा सकते हैं। तो मान लो कोई हमको कहता है कि हम आपको प्रथम पद दो दे दें और सर्वांतर दो दे दें, तब आप हमको समांतर श्रेणी बना के दिखा सकते हो कि बिल्कुल प्रथम पद दो है सर्वांतर दो है, तो बार बार दो में दो जोड़ेंगे, दो और दो चार, छह, आठ, दस, बारह, चौदह, सोलह, अठारह, बीस, इस तरह से हम एक निश्चित संख्या बार बार जोड़ के जो श्रेणी बनाएंगे वह समांतर श्रेणी होगी। अच्छा, अब यहाँ प्रथम पद दो लिया और सर्वांतर दो लिया, जबकि हम जानते हैं कि हम फार्मूले बनाना चाहें तो हमको दो या चार मतलब अचर या फिक्स संख्याएं नहीं लेना, हमको वेरिएबल नंबर जिनको अपन क्या बोलते हैं चर संख्या एक्स वाई जेड वो लेने पड़ेंगे, तभी हम सूत्र बना पाएंगे। तो अब हम प्रथम पद को दो न लेके ए लेते हैं और सर्वांतर को डी ले लेते हैं, उसके अनुसार एक श्रेणी बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो अब यदि हम प्रथम पद क्या ले रहे हैं ए, तो सबसे पहले ए को लिख देंगे और सर्वांतर क्या ले डी, तो जैसे पहले दो को जोड़ा था वैसे हम डी को जोड़ देंगे। तो पहला पद क्या मिलेगा, सिंपल ए, दूसरा पद ए में डी जोड़ेंगे प्लस डी, फिर उसमें एक और डी जोड़ेंगे तो एक डी और एक डी दो डी प्लस टू डी हो जाएगा। तो इस तरह जो श्रेणी बनेगी उसका पहला पद ए, दूसरा पद ए प्लस डी और तीसरा पद ए प्लस टू डी, और इस तरह से ये श्रेणी आगे से आगे बढ़ती 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 जाएगी। अब मान लो मुझे इसके फार्मूले बनाना है, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, मुझे एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन लेना है। जैसे यहाँ पहला दूसरा और तीसरा तीनों पदों को देखो आप, तीनों पदों में ए फिक्स दिखाई दे रहा है, ए ए ए मतलब चाहे कोई सा भी पद हो ए तो एक बार लिया है। अब जैसे जैसे पद के स्थान बदल रहे हैं, आप नोट करो पद के स्थान के बदलने के साथ डी की संख्या बदल रही है। बस इतना सा है तो ध्यान देना कि पद का स्थान जब बदल रहा है तो डी उसके साथ किस रिश्ते को बनाते हुए बदल रहा है। आओ लिख के दिखा देता हूं मैं। चलो, तो यहां यदि मैं आपसे कहूं कि मान लो पद यहाँ प्रथम है, ये कौन सा पद है प्रथम, पद का स्थान एक है तो डी यहाँ कितना है जीरो। यदि मैं पहले पद की बात करूं तो डी क्या है जीरो, मतलब पद का जितना स्थान है डी उससे कम है। यदि कोई कहे यहाँ पे बोले ये दूसरा पद है, तो यदि पद दूसरा है तो डी दो नहीं है एक है। कोई बोले ये तीसरा पद है,
तो आप देखो पर यदि तीसरा है तो डी क्या है, दो है। तो यहां से एक बात समझ में आ गई, ये तो बड़ा आसान है, पद का जितना स्थान होगा डी उससे एक कम होगा। कोई बोलेगा चौथा पद, बोले ए प्लस चार डी नहीं तीन डी। कोई बोलेगा पांचवा पद, बोले ए प्लस पांच डी नहीं चार डी, है ना। तो इस तरह कोई इंसान अपने से आके बोले कि फिर यदि हम एनवा पद बोले, बोले आप जो भी पद का स्थान बताओगे डी उससे एक कम आएगा, एनवा पद बोलोगे तो एन डी न आके ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। यही इसका जनरल फार्मूला है, एनवे पद को डी एन से दर्शाते हैं और यहाँ ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा, जो कि समांतर श्रेणी का सामान्य सूत्र है और इसी सूत्र से बाकी सारे सूत्र बनते हैं। तो समांतर श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या हो गया, कि n बराबर a प्लस n माइनस 1 इनटू d। इसके सहयोग से हम किसी भी पद का मान ज्ञात कर सकते हैं, है ना। अच्छा कोई यदि आपसे बोले कि बताओ इस श्रेणी का प्रथम पद क्या है, आप कहोगे जी a है। क्यों कहा a, क्योंकि शुरुआत उससे हुई। कोई बोलेगा श्रेणी का अंतिम पद क्या है, बोले जिस प्रकार जिससे शुरुआत होती है उसको प्रथम पद कहते हैं, तो जिससे अंत हुआ है निश्चित रूप से वही अंतिम पद है। तो यही सूत्र टीएन का है और यही एल का है, तो एल वाला सूत्र भी क्या है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मतलब यदि आपको किसी और पद का मान, तीसरे पद का मान चाहिए डी थ्री, पांचवे पद का मान चाहिए डी फाइव, किसी भी पद का मान चाहिए तो टी एन वाला लगा दो, और सिर्फ अंतिम पद का मान चाहिए टी एन को हटा कर एल चिपका दो। कितना आसान है ना। आगे यदि मैं बात करूं टी एन की, टी एन तक जाने के दो तरीके हो सकते हैं, जैसे यही बात करूं मैं कि इस श्रेणी में यदि मैं आपको बोलूं प्रथम से दूसरा पद तो आपका जवाब चार होगा, मैं बोलूं इस श्रेणी का आखिरी से दूसरा पद आपका जवाब अठारह होगा। तो कोई प्रथम से दूसरा पद पूछ रहा है अलग बात है, आखिरी से दूसरा पद पूछ रहा है अलग बात है। तो आप कैसे प्रथम से दूसरे नंबर पे पहुंचे, ध्यान दो आपने सबसे पहले क्या किया, जब मैंने प्रथम बोला तो आपने अपनी यात्रा की शुरुआत प्रथम पद से की, मतलब कहां से की, ए से। और जब आप यहां से यहां गए तो दो में दो को जोड़ा, मतलब डी को जोड़ा। जब मैंने बोला कि आप अंत से अंदर जाइए तो आपने अपनी यात्रा की शुरुआत प्रथम से न करके अंतिम पद मतलब एल से गए। और जब आप 20 से 18 पे आए तो आपने दो को घटाया, और दो क्या है डी, मतलब डी को घटाया। इतना सा फर्क है, प्रथम से जाना मतलब ए प्लस से जाना और अंत से जाना मतलब एल माइनस से जाना। तो इस सूत्र को देखते से ही बता सकते हैं ये सूत्र कहां से शुरू हो रहा, ए से, और किस दिशा में जाना प्लस मतलब प्रथम से अंदर जाने का सूत्र है। यदि मैं ए को हटा दूं और ए को हटा के और क्या लिख दूं एल माइनस, और बाकी यही का यही सूत्र जाएगा, तो टी एन बराबर एल माइनस एल माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। तो निश्चित रूप से यह भी एल में पद का सूत्र होगा, पर यह किस दिशा से, अंत से। समझ आया। मान लो एक उदाहरण पूछूं आप लोगों से और आपको समझ आ जाएगा कि यदि कोई बोले कि आप प्रथम से चौथा पद बताइए, कहां से प्रथम से, तो हम बोलेंगे भैया प्रथम से चौथा पद बोलोगे तो T4, और चौथा पद है तो D, तो चार नहीं तीन होगा, पर प्रथम से बोला तो हम A प्लस तीन D बोलेंगे। और यदि आपने हमसे अंत से पूछा, कहां से पूछा, अंत से, है ना, चौथा पद ही पूछा, तो D तो तीन रहेगा पर A प्लस ना होके L माइनस तीन D हो जाएगा। इस तरह आसानी के साथ में आप तीनों सूत्र बता सकते हैं। आओ अब हम तीनों सूत्रों को देखेंगे, हमको रटना नहीं पड़ेगा। तो समांतर श्रेणी के कितने सूत्र है, तीन। दो तो टीएन के है, प्रथम से अंदर आने का और अंत से अंदर आने का, और जो प्रथम से अंदर आने वाला वही एल है, क्योंकि मेन सूत्र तो वही है, उसी में बदल बदल के सब काम करना है। चलो तो पहला जो सूत्र है समांतर श्रेणी के प्रथम से एन में पद का सूत्र है, क्या हुआ प्रथम से एन में पद का सूत्र, टीएन कहां से जाना, ए से, ए प्लस एन माइनस वन इनटू डी। यदि इसमें टीएन को हटा के ए लिख दूंगा एन में के बजाय अंतिम पद का सूत्र हो जाएगा। तो समांतर श्रेणी के अंतिम पद का सूत्र क्या हो जाएगा, टीएन की जगह एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इनटू डी। इसी प्रकार से यदि कोई बोले कि समांतर श्रेणी में अंत से एन में पद का सूत्र, बोले है ये भी कौन से पद का सूत्र, एन में का, और है ये भी एन में का, मतलब दोनों टीएन के सूत्र हैं,
और ये प्रथम से है मतलब ए से प्लस दिशा में जाना है, ये अंत से मतलब उल्टा है, तो एल से शुरू करके माइनस दिशा में जाना है। यहाँ कोण क्या है सब जानते हो अच्छे से कि भैया ए पहला पद है, अंतिम पद को एल से दर्शाया, सर्वांतर को डी से दर्शाया, सब जानते हैं। एनवे पद का मान टी एन है, एन का मतलब पदों की संख्या और पद का स्थान होता है, सब अच्छे से जानते हैं। तो इस तरह इन्हीं फॉर्मूला का उपयोग करना है। इनमें जो मेन बोस है वो मेन बोस कौन है, मेन बोस तो यही है, इसी से सब चलते रहता है। जब आपको एनवे पद की बात नहीं करना, अंतिम तो टी एन को हटा के क्या सीखता, तो एन। जब आपको प्रथम से अंदर नहीं जाकर अंत से पूछे तो ए प्लस को हटा के उसकी जगह एल माइनस लगा दो, प्रथम मतलब ए प्लस, अंत मतलब एल माइनस, फटाफट क्वेश्चन बनते हैं ना। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि ये चीज भी अपने को अच्छे से समझ में आ जाए। एक क्वेश्चन करके अपन देख लेते हैं, ए सिंपल एस। अब हम तैयार है, प्रथम से बोलोगे तो ए प्लस, अंत से बोलोगे तो एल माइनस, हर चीज के लिए तैयार है ना। आओ देखते हैं यहाँ इन्होंने क्या क्या दिया है। तो कभी भी श्रेणी देवे सबसे पहले ए और डी निकाल के लाना। तो बताओ यहाँ ए कितना है, तो ए है माइनस छ है ना। अच्छा डी जो है, डी कैसे निकलेगा, तो बोले बाद वाले पद में से पहले वाले पद को घटाने पर है ना। तो बाद वाला पद क्या है, माइनस दो। अच्छा पहले वाला पद क्या है, तो माइनस छ है ना। तो यहाँ डी बराबर माइनस दो माइनस माइनस प्लस छ, तो डी बराबर कितना आया, चार आया। अच्छा जैसे ही हमारे पास ए और डी आ गया, जो बोलते हैं सवाल की आत्मा वो जिंदी हो गई। अब हमको क्या करना है, क्या बोला 21वां पद, मतलब आपने हमको स्थान बता दिया कि स्थान तो 21 है, आप तो उस 21वें पद का मान पता करो, मतलब टीएन पता करो। तो सभी को बहुत अच्छे से पता है फॉर्मूला टीएन का लगेगा। अब यदि आप अंत से बोलते तो मैं एल माइनस से जाता, यहाँ तो ए प्लस ही जाएंगे। तो tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इनटू d, फटाफट मान रख दीजिए, आंसर आपका इंतजार कर रहा है ना। चलो तो a मतलब पहला पद, बोलो तो पहला पद क्या है, माइनस 6 ठीक है ना। अच्छा n कौन सा स्थान, 21, तो यहाँ पर 21 माइनस 1। अच्छा d मतलब डिफरेंस पदों के बीच में, ऐसे भी दिखता छह और दो बीच में जहां सिंपल भी जिन दोनों पदों के चिन्ह एक जैसे हैं उनके बीच में सीधे देख लिया करो, छह और दो के बीच में चार है, बोले प्लस चार के माइनस चार, बोले श्रेणी बढ़ रही है कि घट रही है, तो श्रेणी के पद बढ़ रहे हैं तो बढ़ रहे हैं, तो प्लस घट रहे हैं तो माइनस, ऐसा भी डायरेक्ट बता सकते हो। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ माइनस छ, 21 में से एक गया 20 गुणा चार, 20 चौक 80, और यहाँ माइनस का 6, 80 में से 6 कम कर लीजिए 70। इस तरह मैंने आपको कंसेप्ट डिस्कस कर दिए, कंसेप्ट के साथ में एक क्वेश्चन भी करके दिखा दिया ठीक है। आप इसी तरह के पूरे डिजिटल वीडियोस नीट जेई आईसीआर बीएचयू पीएटी के लिए चाहते हैं तो आप एमजीसीआई के ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं, आप दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे बात कर सकते हैं। आप एमजी कोचिंग का एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसमें कोर्स में जाएंगे तो आपको सारे कोर्सेज वहां मिल जाएंगे। यहाँ डिजिटल वीडियोस के साथ साथ स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा, यहाँ हर एक दिन में टेस्ट आपके लिए जाएंगे, डाउट सेशन के लिए चैट बॉक्स होगा, मतलब आपको इतनी सारी फैसिलिटी दी जाएगी कि आप बोलोगे कि सर कैसे एमजीसीआई इतने मिनिमम फीस में ये चीजें मेंटेन कर पा रहा है। दोस्तों हम जो भी काम कर रहे हैं वो प्रॉफिट के लिए नहीं कर रहे हैं, हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि ये जो ऑनलाइन स्टडी है उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो इंटरनेट की प्रॉब्लम के कारण अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं रख पा रहे हैं, वो सफर न करें। बाकी आप लोगों का प्रेम पैसों से कहीं बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।